तो आज हम खड़े हैं फिएट के एवेंचुरा के सामने, जो कि प्यूंटो की क्रॉस है। काफ़ी स्पोर्टी लगती है दोस्तों कार देखने में। इसमें इसका एक RS वेरिएंट भी आया था दोस्तों प्यूंटो में, जिसे लोग अबार्थ प्यूंटो के नाम से जानते थे। फिएट की जगह उसमें अबार्थ की बैजिंग रहती थी, एक कोबरा बना रहता था दोस्तों, एक स्कॉर्पियो। दोस्तों आपको इस कार में फ्रंट में फुली स्मोक्ड हेडलैम्प मिलेंगे, दो की काफ़ी इस कार के लुक को निखारते हैं दोस्तों। और इस कार में दोस्तों आपको एक काफ़ी हद तक डिज़ाइन किया हुआ फॉग लैंप मिलेगा दोस्तों। कार में काफ़ी अच्छा डिफ्यूज़र दिया हुआ है, काफ़ी दो ग्रिल दिए गए हैं कार को प्रॉपरली कूल करने के लिए, और क्रोम एलिमेंट्स के साथ है दोस्तों। दोस्तों डिफ्यूज़र काफ़ी कूल लगता है दोस्तों। और ग्राउंड क्लियरेंस इस कार की लगभग 180 टू 190 mm की है दोस्तों, और मे बी 210 mm की है, 200 mm की। दोस्तों कार की साइड कुछ इस तरह की दिखती है दोस्तों, फुल्ली क्लैडिंग है दोस्तों, क्योंकि ये क्रॉस है। और दोस्तों इसकी अलॉय व्हील्स दोस्तों काफ़ी अच्छे लगते हैं दोस्तों वॉश हो जाने के बाद। दोस्तों एक ये डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं, फुल्ली क्रिस्टल कलर्ड अलॉय व्हील्स हैं, आपको सिल्वर एंड ब्लैक के फिनिश के साथ मिलेंगे, जैसा कि रेनॉल्ट डस्टर में मैंने आपको दिखाया था दोस्तों। ये इसका कुछ साइड दोस्तों इस तरह का दिखता है। एवेंचुरा की बैजिंग दोस्तों काफ़ी अच्छी क्लैडिंग दी गई है दोस्तों, क्लैडिंग में काफ़ी अच्छा तरीके से आपको फिट एंड फिनिश दिया गया है दोस्तों। तो साइड कुछ इस तरह का लगता है, एक काफ़ी बड़ी स्पॉइलर दोस्तों, काफ़ी ईजी है। इसमें आपको कुछ सामान लोड करना, आप एक साइकिल लोड करना चाहते हैं इजिली लोड कर सकते हैं कार की बॉडी को बचा के दोस्तों। ये है इसका सी पिलर, काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों। बी पिलर फुल्ली डेकल्ड है, और ए पिलर काफ़ी लंबा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। जैसा कि OAVM दोस्तों ऑटोमेटिक फोल्डेबल और इंडिकेटर्स के साथ ओरिएंटेड है दोस्तों, आप इसे इजिली हैंड से भी ओपन कर सकते हैं दोस्तों। ये इसके हैंडल्स काफ़ी स्पोर्टी हैंडल्स दोस्तों, ओल्ड पॉइंटर के साथ शेयर किए गए हैं। और दोस्तों ये है इसका कुछ रेयर, दोस्तों रेयर कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों इस कार का, एक काफ़ी बड़े स्पेयर टायर के लुक के साथ आता है दोस्तों ये कार। आप रेयर से इसको पीछे इस तरह की दिखती है दोस्तों, एवेंचुरा के बैजिंग के साथ दोस्तों। किसी तरह का कोई मॉडल बैजिंग नहीं दिया गया दोस्तों, ये फिएट की लोगो, एक बड़ा सा क्लैडिंग का फंक्शन। और दोस्तों यहाँ से आप इसे ओपन कर सकते हैं दोस्तों अपने बूट को। ये आपकी रेयर वाइपर विथ नो वाशर, इसमें किसी तरह का कोई वाशर नहीं दिया गया है, ओनली वाइपर है दोस्तों रेनी सीजन के लिए दोस्तों। रेयर की लाइट देखें तो टोटली LED लाइट दिखेगी दोस्तों आपको, काफ़ी प्रीमियम एंड पॉश लुक देती है दोस्तों कार को। और एक आपको फुली ऑरेंज इंडिकेटर दिखेगा दोस्तों, सॉरी क्रिस्टल क्लियर इंडिकेटर ऑरेंज, जिसमें रिफ्लेक्ट हो रही है। और रेयर पार्किंग लाइट है दोस्तों, दोस्तों इसमें रिफ्लेक्टर्स है दोस्तों, आपको रेयर पार्किंग लाइट वहाँ दिखेगी दोस्तों। एक पिंक कलर की है, सेम डस्टर की तरह है दोस्तों। दोस्तों इसका एग्जॉस्ट एक टिप के साथ जुड़ा हुआ है, तो क्योंकि काफ़ी स्पॉटी लुक देता है। रेयर में भी डिफ्यूज़र है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और यहाँ से ये कनेक्टेड है दोस्तों इसकी स्पेयर टायर, आप देख सकते हैं। एग्जॉस्ट कुछ इस तरह से टिप के साथ जुड़ा हुआ है दोस्तों। सस्पेंशन सेटअप मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों, कार में राइड क्वालिटी काफ़ी गुड है दोस्तों। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, इसमें कार में आपको एक एंटीना मिलेगी दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों कार का लुक काफ़ी मुझे अच्छा लगा, आप कार के इंटीरियर को देख सकते हैं, कुछ इस तरह के इंटीरियर कार की। कार की सेल पूरे इंडिया में सबसे कम है दोस्तों, इसी यही कम रीज़न दोस्तों इस कार की कम बिकने की। आपको एक बोनट लाइन मिलेगा, जो कि काफ़ी मस्कुलर और बीटल लाइक लुक देता है दोस्तों। दो वाशर हैं दोस्तों, और आपको चार फ्लूड मिलेगी, और आपको इंश्योर करती हैं एक अच्छी वाशिंग के साथ। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी वाइपर दी गई है दोस्तों, काफ़ी अच्छी स्लॉटेड वाइपर है दोस्तों डुअल विंग्स के साथ। मुझे बताया कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगा तो बिल्कुल डिसलाइक कर दें दोस्तों। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों, धन्यवाद।